दतिया पहुंचे पर्यवेक्षक शैलेंद्र शर्मा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा फूल छाप कांग्रेसियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि वास्तविक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं की जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव से नोकझोंक भी हुई, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का त्याग पत्र मांगा है। हमें प्रभारी मंत्री को बदले या नहीं बदले, जो माननीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस बात को कहा था कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाएगी, तो ना तो वो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर प्रभारी मंत्री अपेक्षाएं की गई तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार है। मिश्रा जी, मध्य प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उसी कार्यक्रम में हमारे दतिया जिले के प्रभारी मंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर उसी नरोत्तम मिश्रा जी की बात पर मोहर लगाकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमें प्रभारी मंत्री को बदलें।